हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले प्रोजोन इनटू कंपनी के बारे में, जो कि एक रियल स्टेट कंपनी है। तो इस कंपनी का बिजनेस क्या है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है और लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी के अंदर आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को, इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंपनी के बारे में, जिस तरह से यहाँ पर हमने बात की, जो कि एक रियल स्टेट कंपनी है, इस कंपनी का जो मेन जो कारोबार है वो डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग और जो चीज़ जो खड़ी होती है, डेट इज़ जो बिल्डिंग्स जो खड़ी होती है, डेट इज़ मेन जो कंपनी का कारोबार है वो कोयम्बतूर, औरंगाबाद, नागपुर के अंदर है। तो उसी के थ्रू इस कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंटेशन है, बहुत सारे इस कंपनी के शॉपिंग मॉल्स हो गए, कमर्शियल स्पेस हो गए और रेजिडेंशियल भी बहुत सारे प्रीमाइसेस जो है इस कंपनी के अंडर है। इस कंपनी की वेबसाइट के हिसाब से जो डेटा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस कंपनी का जो है 2 मिलियन स्क्वायर फीट जो है यहाँ पर इस कंपनी के पास जो है जमीन है और उसके साथ साथ में इस कंपनी के पास जो एसेट्स है वो मोर देन 2,000 करोड़ रुपीज है। तो ये भी जो चीज़ थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो यहाँ पर जो है प्रोजोन इनटू कंपनी के बारे में ये मैंने आपको बता दी। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है सिर्फ 406.69 करोड़ रुपीज़। तो इसका मतलब आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हो कि कंपनी के पास जो एसेट्स है वो 2,000 करोड़ रुपीज़ का और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है सिर्फ 406 करोड़ रुपीज़ का ही यहाँ पर जो है इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं उस वे के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर जो कंपनी अंदर जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर मैं फेस वैल्यू के बारे में बात करूं तो 2 रुपीज़ का फेस वैल्यू और बीटा है इसका 0.95, जो कि हमें बताया कि यहाँ पर अगर इंडेक्सेस के अंदर 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.95% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मैं इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग की बात करूं तो 21.1 का जो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर देखने मिल रहा है, उसके मुकाबले अगर हम शेयर का देखें तो काफ़ी महंगे प्राइस टू अर्निंग पे शेयर जो है यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर प्राइस टू बुक के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो इस शेयर का जो भी वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छे जो है अच्छे खासे प्राइस पे यहाँ पर आपको जो ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। दैट इज प्राइस टू बुक है 0.73 और बुक वैल्यू निकल रही है शेयर की 36.63 रुपीज़। अगर मैं उसके कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ कंपनी के रेवेन्यू एज प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर जो कंपनी का जो कारोबार है वो इतना तगड़ा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा जितना यहाँ पर जो कंपनी का जो रेवेन्यू एज प्रॉफिटेबिलिटी एज जो कंपनी के पास जो एसेट्स है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। 2020 2021 के अंदर भी यहाँ पर जो कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पर आपको जो है डाउन होते हुए देखने को मिला है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इंपॉर्टेंट ये कि कंपनी ने यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर में किस तरह परफॉर्मेंस किया है तो वो भी हम इन फर्दर फ्यू स्लाइड्स हम जरूर देखने वाले हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपेयर करें तो 27.81% का ही जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर द्वारा किया गया हुआ है। तो वो मेरे से थोड़ा बहुत नेगेटिव इंटीमेशन जरूर देता है, जस्ट एज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर आपको पता ही होगा कि रियल स्टेट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर कंपनी जो है खुद अपने शेयर जो है मार्केट में कितने होल्ड करती है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से यहाँ पर जो है कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कंपनी खुद के अंदर वो मोर देन 50% होना चाहिए, तो वही मेरे हिसाब से एक अच्छा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर सिर्फ 27% का ही जो निवेश है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर द्वारा किया गया हुआ है और उसके साथ साथ में 6.56% का जो यहाँ पर FII के द्वारा निवेश किया गया हुआ है, तो वो मेरा थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंटीमेशन जरूर देता है। बट फिर भी उन दोनों के मिलाकर भी यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो यहाँ पर मोर देन 50% देखने को नहीं मिला है। और रियल ट्रैप किसके पास हो गया, दैट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों द्वारा इस कंपनी के अंदर दैट इज मोर देन 65.53% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज बीन डन बाय द पब्लिक, मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों द्वारा किया गया हुआ है। ऑल तो कंपनी के अंदर जिस तरह से प्राइस टू बुक के हिसाब से देखने मिल रहा है तो काफी बेहतरीन जरूर देखने मिल रहा है कंपनी के, बट फिर भी यहाँ पर जो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इतना ज्यादा एट्रैक्टिव देखने को हमें नहीं मिल रहा है। रेवेन्यू स्टेटमेंट अगर यहाँ पर कंपनियां कंपेयर करते हैं तो पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर मार्च 2021 के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट की 30 करोड़ रुपीज़ और उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था वो था सिर्फ 3 करोड़ रुपीज़। और उसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट क्वार्टर डेट इज जून 2021 की यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी का जो रेवेन्यू है यहाँ पर गिरकर हो चुका था 13 करोड़ रुपीज़ और उसके ऊपर यहाँ पर जो है कंपनी ने 9 करोड़ रुपये का घाटा किया था, जो कि सेप्टेम्बर 2021 में यहाँ पर जो कंपनी टोटल इनकम है वो फिर से बढ़कर हो चुकी 34 करोड़ रुपीज़ और जो कंपनी का प्रॉफिट था वो हो चुका है 2 करोड़ रुपीज़। बट अगर कॉन्ट्ररी बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी के अंदर रिकवरी
कंपनी देखने को जरूर मिली, बट फिर भी अगर कंपेयर करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से तो इतनी ज़्यादा जो है कंपनी जो रेवेन्यू है वो उसमें आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर जो है कंपनी बोल रही है कि कंपनी के पास मोर देन 2000 करोड़ रुपीज़ का एसेट है, बट यहाँ पर जिस तरह से आपको ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए थी उस तरह की ग्रोथ यहाँ पर हमें पिछले 3 क्वार्टर में देखने को नहीं मिली है। रेवेन्यू रिटर्न रेशियोज भी अगर हम इस कंपनी यहाँ पर कंपेयर करते हैं ईयरली बेसिस पर, तो सबसे पहले जो रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो ये मैं बता रहा कि कंपनी के अंदर मार्केट में जितना भी इक्विटी है उस इक्विटी के ऊपर यहाँ पर कंपनी कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाता है। तो वो था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 0.48%, मार्च 2020 के अंदर 0.3%, और यहाँ पर मार्च 2021 के अंदर -5.76% का ROE देखने को मिला है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कंपनी में जितना मार्केट में कैपिटल है, इक्विटी है अवेलेबल, उसके ऊपर यहाँ पर जो है कंपनी लॉस कर पा रही, तो दैट इज लॉस कर जो प्रॉफिट शीट होता है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ROCE की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के पास जितना भी कैपिटल दैट इज डेट एज वेल एज इक्विटी, तो उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। तो वो भी था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 3.46%, जो कि मार्च 2020 में यहाँ पर गिरकर हो चुका है 2.84%, और मार्च 2021 के अंदर और ज्यादा गिरकर हो चुका है 0.2%। और ROA के बारे में बात करूँ, तो जिस तरह से यहाँ पर कंपनी स्टेट करती है कि कंपनी 2000 करोड़ का एसेट है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है कंपनी ईयरली बेसिस पर इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही, उसके काउंटर यहाँ पर कंपनी लॉस कर रही है। मार्च 2019 के अंदर 0.17 का रेशियो, मार्च 2020 के अंदर -0.09 का रेशियो, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर -1.7 का यहाँ पर हमें कंपनी का ROA परसेंटेज देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो कंपनी का ROA, जो कंपनी रिटर्न रेशियोज है, उसके अंदर भी पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी की जो रिटर्न है टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, टुवर्ड्स कंपनी के फाइनेंशियल्स, वो इतने ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेवरेज रेशियोज कंपेयर करें इस कंपनी 2019 के अंदर 0.67 के रेशियो फॉर्म में, मार्च 2020 के अंदर और बढ़कर हो चुका कंपनी का डेट 0.77, और मार्च 2021 के अंदर जो कंपनी का डेट है यहाँ पर और बढ़कर हो चुका है 0.88। तो यहाँ पर जो कंपनी का डेट है वो भी आपको हर ईयर इंक्रीमेंट होते हुए देखने को मिल रहा है, दैट इज अगेन अ नेगेटिव इंटीमेशन। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है कंपनी का वो भी यहाँ पर आपको जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से जो है गिरते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि मार्च 2019 में था 1.23%, मार्च 2020 में था 0.85%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 0.06% का यहाँ पर हमें कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने को मिला है। मार्केट प्राइस के हिसाब से बात करूँ तो ऑल्दो आज यहाँ पर जो है शेयर ने एक अच्छी ऐसी तेजी जरूर बताई, डेट इज 26.65 पे इस शेयर ने क्लोजिंग जरूर दी और नियरली एक अच्छा सा हाई प्राइस भी इस शेयर ने जरूर लगाया था, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड अगर यहाँ पर देखें तो आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना, तो रियल स्टेट कंपनी के अंदर यहाँ पर जो अगर कंपनी काम करती है तो एक अच्छा सा ग्रोथ होता है। इस कंपनी की जो भी टॉप लाइन होती है वो अगर आपको इंक्रीमेंट फेज में देखने को मिलती तो ही मेरे आप सबको है इंटीमेशन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के सबसे कर सकते हो। एज द सेकंड पॉइंट इज, जो सेकंड नेगेटिव पॉइंट लगा वो ये कि कंपनी के अंदर जो भी प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी मुझे ज्यादा अनइवन लगा, इट इज मोर जो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा है, तो मैनिपुलेटिव स्टॉक भी यहां पर ये हो सकता है। सो अगर आप इस कंपनी में निवेश करते भी हो तो आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट जो आपकी माइंडसेट होता है वो काफी एग्रेसिव होना चाहिए। सो होप करता हूं कि आपको प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज लिमिटेड कंपनी यहाँ पर हमने जिस तरह से एनालिसिस किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको इस कंपनी रिलेटेड और कोई की पॉइंटर्स भी आपको पता हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में मार्क जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।